इतनी बात मुझे समझ में आ गई।
अब मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, इन दोनों ही इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, तो 9x से 9x तो कट हो गया, यहां पर ये 9y प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां पर मैं इसको लिख सकती हूँ 18y इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तब यहाँ पर 90 आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आ जाएगा 90। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 5, यहाँ पे y का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया, y का वैल्यू मेरे पास है, क्या मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 करके मैं यहाँ पर इसको जरूर सॉल्व कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, यानी कि मेरे पास x कितना आ गया, 2 आ गया, मेरे पास x की वैल्यू प्रेजेंट है, मेरे पास y की प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो n वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, यहाँ पर x है 2, y है 5, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था 25, ओके मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। अगर मैं इसको इंटरचेंज करके देखूं तो इंटरचेंज करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, राइट, अगर मैंने 25 को इंटरचेंज किया, उल्टा कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं क्या 52 25 से 27 प्लस है, एक्सीड करता है, तो यस, जब मैं 25 में 27 ऐड करूंगी तब मेरे पास क्या आता है, 52 आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टू डिजिट नंबर होते हैं जिसमें आपको टू यहाँ पर लेनी पड़ती है इक्वेशन, और दो इक्वेशन को लेकर ही आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जब भी आपके पेपर में आएंगे आपको इसी का ही ध्यान रखना है। करना क्या है, आपको जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वैसे वैसे बस करते जाना है, एक्स और वाई की वैल्यू को कंसीडर करना और सिंपली जो सॉल्व करते हैं, और 9th-10th में भी क्या था वैसे ही सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखना आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अगर मैं देख लू, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले माना कि एक्स वाई होता है, फिर हमें पता था कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है जो इन्होंने दिया था, फिर मैंने यहाँ पर देखा कि अच्छा कोई एन आई नंबर भी है जो कि एन से 27 प्लस होगा, फिर दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर ली, दोनों की वैल्यू लेने के बाद उसको सेपरेट उसको माइनस करके हमने सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो पहली इक्वेशन थी और बाद की इक्वेशन है उनको इक्वल किया ताकि हम एक जो वाई या एक्स को कट कर सके, और उसको सॉल्व करके फिर हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है सेक्शन ए में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।